राम राम जी। तीन बहनों की दुनिया में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों को पता है श्राद्ध शुरू हो गए और हम गांव की भाषा में बोलते हैं कनागत। तो भाई इसमें बहुत साफ सफाई करनी पड़ती है अपने पितरों के लिए। तो सुबह सुबह रितु भी नहा ली और मैं भी नहा ली हूँ और मैंने किचन देखो साफ कर दिया है बिल्कुल। तवा चिमटा वगैरह सब माँज दिए, दूध रख दिया, बनना खीर। और मेरी सासू माँ का श्राद्ध है आज, यानी कि रितु की दादी जी का। तो मैं बना रही हूँ सेवियाँ। तो इनको कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए मैंने घी डाल दिया इसमें और अब इनको भूनेंगे। ये देखिए सेवियाँ, ये घर की बनी हुई सेवियाँ भाई, मेरे समदानी से आती हैं ये सेवियाँ। रितु की मम्मी बना के देती है। और ये देखिए इनको मैं भून लूँगी अब, क्योंकि फ्रेश भुनी हुई होती है ना तो ज़्यादा अच्छी बनती है। और ये भून के और मैं सेवियों की खीर बनाऊंगी, क्योंकि माँ हमारी सेवियों की खीर खाते थे और क्योंकि वो खीर कम पसंद करते थे तो सेवियाँ उनको पसंद थी। तो मैं आज के दिन सेवियाँ ही बनाती हूँ। और ये मैंने दूध रख दिया यहाँ पर बनना, इसके अंदर भून के और ये उबल जाएगा तब इसके अंदर डाल दूंगी। और ये आटा गूंद दिया है रितु ने, ये देखिए बिना नमक का आटा है पितरों का ये हमारा। और मैं आज पूरियां नहीं बनाऊंगी क्योंकि पूरियां मम्मी नहीं खाती थी हमारी माँ जी। तो आज रोटी सब्जी और सेवियाँ, तो उससे हम निकाल लेंगे अपना श्राद्ध। वो मैं बताऊंगी अभी थोड़ी देर में। तो देखिए ये हो गया है, हमारी सेवियाँ भून गई हैं और ये दूध उबल गया है। तो सेवियाँ भून के हो गई हैं तैयार और ये मेरा दूध उबल गया है। और इधर चाय रख दी है देखो, अदरक और पानी, ये उबल जाएगा। और इधर रितु बनाएगी अब चपाती दादी के लिए, बढ़िया बढ़िया फुलके। और ये मेरी सेवियाँ इधर तैयार हो जाएंगी, मैं ये इसमें डाल दूंगी खीर बनने के लिए। ये देखिए अब ये फटाफट उबल जाएंगी। बहुत अच्छी खीर बनती है ये, बहुत ही स्वाद। तो मैं सेवियों की खीर बनाऊंगी आज। देखो ये ऐसी खीर माँ को पसंद थी भाई, देखो बिल्कुल रेड कलर की हो गई है। बहुत अच्छी सेवियाँ बनते हैं, खोए जैसी खुशबू आती है इसमें। सेवियाँ मतलब जोए। तो अब हम पितृ देवता की रोटी निकाल देते हैं। हमें क्या करना होता है, ये सारे में से जैसे टूट तोड़ के ऐसे जैसे गुरु आ जा ले। आज मैं अपने पोते के हाथ तक कड़वा रही हूँ, दादी राजी हो जाएगी कि मेरा पड़ पोता मेरे लिए खाना निकाल रहा है और पोता खड़ा खड़ा देख रहा है। खुश हो जाएगी दादी आज, पोता भी और पड़ पोता दोनों खाना खिला रहे हैं दादी को। और हमारे में क्या होता है कि जैसे रोटी बनाते हैं सब छोटा छोटा टुकड़ा तोड़ के और लगा के इसमें से और जल देवता में डाल देते हैं और फिर ये जल दे देते हैं सूर्य देवता को। तो हमारे सारे पितरों को भोजन मिल जाता है इसमें। और मैंने अपनी सासू माँ के पसंद का खाना बनाया, घिया की सब्जी बनाई है, सेवियाँ बनाई हैं और रोटी बनाई है। और ये अगर मम्मी मेरे को अपनी कल ये चीज़ कल बता देती कि कल दादी हमारे मेरी दादी जी का आज वो है कनागत, तो आज मैं अपने सीनियर सर को बोल के अपना आज वीक ऑफ ही प्लान कर लेता, बट आज वो प्लान नहीं हो पाया सिर्फ इसलिए कि मेरे को ये पता नहीं था। बेटी फिर सुबह तो आप आ ही जाते हो ना, इसलिए नहीं बताया, छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर गांव में आ जाते हो आज, फिर गांव में चले जाते। गांव में नहीं जाते श्राद्धों में, मावस को जाएंगे। तो मावस को जाएंगे, मावस को मैं वीक अपना वीक ऑफ पहले से ही प्लान कर लूंगा। पहले से वीक ऑफ प्लान कर लेना, वो मैं बता दूंगी तेरे को। तो जो पितरों का जब हम मावस पे जाएंगे तो उस दिन मेरा खुद का मैं अपना ब्लॉग भी बनाऊंगा आप लोगों के लिए। बिल्कुल यस, द मास्ट ब्लॉग है भाई ये, इसको भी देख लिया करो। चलो अब देख लिया करो, नहीं डेली बेसिस पे देख लिया करो। हाँ।
अब ये भी अपडेट करता है दोनों का है। ऋतु यश नवास क्या करूँगा, अब ऋतु यश नवास कर देना उसको। हाँ यही करूँगा, ऋतु यश नवास। ये दो रोटी तो पक्षियों की है, ये दो रोटी किट्टी की है, डॉगी की हमारी, और ये चार रोटी जो पंडित की होती है और गाय की, तो मैं ये चार रोटी पंडित को मतलब गाय को दे दूंगी, और जो भोजन कराना है सेम यार वो मैं खिला दूंगी। तो मैं ये आठ रोटियां निकालती हूँ, चार रोटियां जो 12 रोटी होती है, चार रोटी पंडित की होती हैं, चार रोटी ये गाय की, दो रोटी कोए की, और दो रोटी मतलब कोए पक्षी, और दो रोटी हमारी डोगी की। तो अभी आ जाएगी वो, ठीक है। ये दे आ रही शु मुबारक है वहाँ पर चिड़िया को। ओम पितृदेवताय नमः। ओम 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 भगवान मेरा जी को जिस भी परिवार में भी बहुत अच्छे से खुश हाल रखे। दादी जी परिवार में गई है, इसको पक्का पता है, मेरी दादी जिस परिवार में गई है उनको खुशहाल रखे, खुशियाँ बहुत अच्छा रखे भगवान। और अब हमारे पास जाओ, सारी उनकी मनोकामनाएं पूरी करें। मैं आई हूँ यहाँ पर गाय को रोटी खिलाने, लेकिन देखो दूर दूर तक कोई गाय नहीं है, और हमारी गाय यहीं बैठती हैं, और मुझे बहुत देर होगी इंतज़ार करते हुए। लेकिन ये देखिए यहाँ पर गाय आती है, मैंने गाय के लिए ये रोटी रख दी है और जल भी। तो ये बड़ का पेड़ है और यहाँ पर हमारी गाय बैठती हैं, ये उन्हीं का स्थान है। देखो ये उधर दिख रहा है ना आपको, यहाँ गाय बैठती हैं। तो जो भी हम खाना यहाँ दे के जाते हैं तो गाय खा लेती हैं यहाँ। तो भाई मैंने अपनी तरफ से गौ माता की भोजन यहाँ रख दिया है, और जल भी दे दिया, और डोगी तो मुझे मिल गया था उसको मैं दे आई। तो भाई अब हमने पूजा कर ली, पितरों को जिमा दिया, और ये हमारा नाश्ता है। देखो ब्रेड सेक के और इस पे चटनी, देखो ये कह रहा है चटोरी है सासू बहू। ये अपना खा के और सो गए, अब दोनों दा पापा बेटा रात की ड्यूटी करके आया है, और मेरा अब नाश्ता हो गया है। ये देखिए मैं नाश्ता करूंगी, ये दो ब्रेड रख दी थी तूने, एक इसकी है ना, ना मैं तो एक खाऊंगी ना, फिर दोपहर में खाऊंगी। देख मेरा जबरदस्ती रख रही है। तो अब हम नाश्ता करेंगे, बाय। आज का व्लॉग यहीं तक का है। दो यशु पीछे थे रुक के मारा चटोरी, भाई चटोरी तो हूँ मैं, रोटी खुआ दी, पराठे खाए, मुझे पता है पराठे मक्खन जचा के, हाँ मक्खन के साथ है, सबसे ज्यादा चटोरा है भाई। तो आज का व्लॉग यही था छोटा सा, बस मेरे सासू माँ के पितर देवता का। और अब मिलेंगे नए व्लॉग में, बने रहना, सारे पुल सपोर्ट करना, प्यार देना। राम राम सबको।